तो बता दें कि हमारे बगल में जो अभी खड़े हैं और हमारे साथ मीडिया कर्मी भी बैठे हैं और कई समाज सेवी भी बैठे हुए हैं, और हमारे बगल में जो बैठे हैं ये प्रिंस विक्टर यादव जी हैं और ये प्रदेश महासचिव हैं जाप के, और इनसे कुछ हमारा हम लोगों का सवाल रहेगा और जो कि शायद इन्होंने हर सवाल का जवाब इन्होंने देंगे। और ये यहाँ के समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं और समाज के लिए बहुत कुछ ऐसा काम भी किए हैं जो कि यहाँ के समाज के लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रिंस विक्टर जी ऐसा क्या समाज के लिए करते हैं और क्यों करते हैं जो कि इस समाज के लोग इनको इतना चाहते हैं। तो सबसे पहले इनका इनसे सवाल रहेगा कि सर आप बताएंगे कि आप अपने समाज के लिए क्या-क्या अभी तक किए हैं। नमस्कार। समाज में अन्याय अत्याचार के खिलाफ शुरू से संघर्ष किए। जहाँ भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार होता है या अन्य तरह की विविधताएं, भ्रष्टाचार या प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, हत्या, बलात्कार में हम सभी जगह जाते हैं और यथासंभव जो भी होता है हम मदद करते हैं। तो दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप पहले मुखिया प्रत्याशी भी रह चुके हैं, मुखिया प्रत्याशी, मुखिया मुखिया रह चुके हैं, जी, और कब मुखिया में आप जीते थे फर्स्ट बार? हम 2001 में ग्राम पंचायत बरवन्ना रानीगंज प्रखंड में पड़ता है, वहाँ से हम मुखिया और समिति दोनों सीट से चुनाव लड़े और दोनों सीट में अपार बहुमत से हमारी जीत हुई। कुछ दिनों के बाद हमने मुखिया पद से रिजाइन कर दिए। प्रमुख बनने के बाद हम दोनों सीट से चुनाव जीते। फिर समाज और ग्रामीणों के कहने पर हमने प्रमुख का चुनाव लड़ गया और प्रमुख बनने के बाद मुखिया पद से रिजाइन किए 2001 में। 2006 में पहली बार हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 से बने। दूसरी बार 2011 में जिला परिषद अपार बहुमत से बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किए और दोबारा जिला परिषद बने। जिला परिषद में हम शिक्षा विभाग के जिला अध्यक्ष भी रहे। विभिन्न प्रकोष्ठ हमको मिला था, सभी में हम काम किए और सीट सुरक्षित होने के बाद 2016 में हम बगुला पंचायत से मुखिया बने। फिर 2021 में हम बगुला पंचायत से रिकॉर्ड मतों से मुखिया बने और इस बीच में हम विधानसभा चुनाव लड़े, लोकसभा का भी चुनाव, मध्यावर्ती लोकसभा का चुनाव भी लड़े। तो आखिर आपके जितने भी पब्लिक हैं और वो आपको इतना क्यों चाहते हैं ताकि आपको मुखिया से जिला परिषद तक आप चुनाव लड़े और फर्स्ट बार में आप जीत हासिल करते निकल गए, आखिर ये इतना चाहने का क्या कारण है? देखिए, इतना चाहने का कारण है समाज सेवा। हम जातिवाद नहीं करते हैं, गरीब से लेकर अमीर तक एक ही व्यवहार करते हैं, समय पर उनको साथ देते हैं। हम आनंद मार्ग से जुड़े हुए हैं,
और मेरा मकसद है आत्मरक्षार्थ जगत हित है, अपने आत्मा की मुक्ति और जगत का कल्याण। हम आनंद मार्ग के सिद्धांत पर चलकर समाज सेवा करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप गरीबों को मदद करना चाहते हैं, लोगों का आंसू भी पोंछते हैं, तो आपके जैसे तो बहुत सारे भी प्रत्याशी इस रानीगंज में होंगे, पर वैसे वो नहीं करते हैं, आप करते हैं, तो इसे आपको क्या देखने को मिलता है? देखिए, बहुतों ऐसे आदमी हैं जो राजनीति को व्यवसाय बना दिए हैं। राजनीति व्यवसाय नहीं है, सेवा है। जो सेवा समर्पण के भावना से करेंगे वो दोबारा तिवारा वो चुनाव में जीतेंगे। जो व्यवसाय के माध्यम से धन इकट्ठा करने के लिए चुनाव जीतते हैं वो दोबारा फिर वापस नहीं आ पाते। अच्छा, तो क्या जो भी सरकार के तरफ से फंड आता है ब्लॉक के पास, तो क्या ब्लॉक से जो भी पंचायत के लिए काम होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि बिहार में लगभग 90% से अधिक पंचायतों में भ्रष्टाचार हो जाता है, तो क्या उसमें आपको पीसी मिलता है अपने पंचायत से? ब्लॉक लेवल से तो होता होगा कि सर पीसी ले लीजिए, गलत काम हो रहा है और वहाँ पे आप अनदेखा कर दिए, क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं नहीं पीसी हमको प्रखंड से या जिला से कभी कोई परेशान नहीं किया। हम पर्सनल कभी किसी भी पदाधिकारी को पीसी नहीं देते हैं, 100% काम करवा। जैसे मान लीजिए कुछ पैसा बचा तो या तो कहीं पे मंदिर बनवा दिए, कहीं पोखर बनवा दिए, कहीं कुआं बनवा दिए, जो आवश्यकता है क्षेत्र के अनुसार उसमें हम सामाजिक काम में लगा देते हैं। अच्छा, एक बात होती है, आप सारा काम सही से करा के बिना पीसी लिए, बिना पीसी दिए फिर भी आपको बच जाता है, लेकिन बिहार में 90% से अधिक लोग कहते हैं कि हमको बचता ही नहीं है, सरकार देता ही नहीं है, अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। आखिर क्यों, क्या उनके पास इतना पैसा नहीं जाता है? नहीं नहीं पैसा सबके पास जाता है, तो फिर पैसा काम करने का तरीका उन लोगों का गलत है। हम अपने साथियों के माध्यम से या गांव के जो पंचायत के हैं पदाधिकारी के माध्यम से उसको हम करवाते हैं। अच्छा, ये बताइए सर, जनता आपको मुख्य किसी भी पद पर चुनती है तो किस विश्वास को आपको मन विश्वास पर चुनती किस है, किस उम्मीद के साथ, किस उम्मीद से? जनता प्रेम, जनता का प्रेम जी, प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है जी, और बहुत अपने पुत्र के समान प्रेम करते हैं, और जनता का भरोसा है कि ये पंचायत नहीं प्रखंड थाना और जिला स्तर पर जो भी काम होगा ये करेंगे। ये पदाधिकारी से डरते नहीं हैं, बिना पैसे का बिना घूस का ये काम करवाते हैं और इनके नाम पर भी काम हो जाता है। अच्छा, ये लोग मुखिया जी भी लोग बोलते हैं कि हम चुनाव में बहुत सारे पैसा लगाए हैं तो इसको रिकवरी करने के लिए हम दो नंबर काम करते हैं, इसमें बालू भी दो नंबर रहता है, ईंट भी दो नंबर रहता है, छड़ी भी दो नंबर रहता है, सब काम दो नंबर रहता है, अब बोलते हैं हम इसे नहीं कमाएंगे, तो ये बताइए राजनीति कमाने के लिए इसमें आया है कि और कुछ करने के लिए आया जाता है? देखिए कुछ वही बताए, कुछ आदमी राजनीति को व्यवसाय बना दिया, जो व्यवसाय के माध्यम से आया है जी, जात के नाम पर या पैसा शराब के नाम पर जो चुनाव जीत के आया है वो तो पैसा इकट्ठा करेगा, लेकिन अब वैसा सिस्टम नहीं है। इस बार जो चुनाव हुआ है, इस बार जो चुन के आए हैं बहुत तो ऐसे मुखिया हैं जो चुनाव में खर्च किए हैं उसका पैसा भी रिकवर नहीं होने वाला है, सिस्टम चेंज हो गया है। लेकिन पता ये गलती जो होता है एस्टिमेट में या काम कराने में, वो जो कमजोर टाइप के मुखिया हैं, बहुत तो ऐसे मुखिया हैं जो पदाधिकारी उनको टॉर्चर करता है गलत करने के लिए। कोई मुखिया जानबूझ के गलत करना नहीं चाहता है, प्रखंड से लेके जिला तक के पदाधिकारी को पंचायत से पैसा चाहिए। तो जब से कोई मांग नहीं करता है, आपको भी टॉर्चर करते होंगे लोग पदाधिकारी जो होंगे? नहीं नहीं हमको कोई टॉर्चर नहीं करता है। तो क्यों, आपसे ऐसे क्या बात है कि वो नहीं टॉर्चर करते हैं आपको? हम नहीं देते हैं,
तो क्यों नहीं देते पैसा हैं? क्यों देंगे? हम अधिकार अपने अधिकार को जानते हैं, जी मेरे साथ जनता है। देखिए सर ने अगर... बता एक मिनट सर, सर बता है कि हम अपने अधिकार के जानते हैं, अधिकार के लड़ते हैं। अगर सब मुखिया अपने अधिकार के लड़ेंगे तो ये रोका जा सकता है? जी अवश्य रोका जा सकता है। तो सभी जितने भी हमारे मुखिया जी लोग हैं अपने पंचायत में विकास करते हैं पर सही से नहीं करते हैं, बिहार के बताइए, तो उन लोगों के क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम सभी माननीय मुखिया जी से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, अपने अधिकार को आप पहचानिए। आप 10,000, 8,000, 9,000, 10,000 वोटर के मुखिया हैं, आपके पीछे जनता है। अगर कोई पदाधिकारी आपको दबाव डालता है कि नहीं हमें पीसी चाहिए, इसके लिए आपको आवाज़ उठाना होगा, आपको मजबूत होना होगा। और आप अपने जनता को कहिए कि पदाधिकारी मुझे पीसी मांग रहा है तो काम अच्छा से कहाँ होगा, आप मेरे साथ चलिए ब्लॉक, आप मेरे साथ चलिए जिला, और हम धरना पे बैठेंगे और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जब आप ही देने लगिएगा तो आपका ये 8,000-10,000 जो वोटर है उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग लूटता है और लूट रहा है। तो बिहार के सभी मुखिया लोगों को इनसे सीखने की जरूरत है, जो अपने अधिकार को नहीं जानते, और जानिए और इनसे सीखिए, तब जाके जो है ना आप अपने अधिकार को जानेंगे। और भ्रष्टाचार जो बोलते हैं बार बार राजनीति में, जब चुनाव आता है कि ना हम ईमानदारी से काम करेंगे, फिर बाद में बोलते हैं ऊपर से प्रेशर है, पदाधिकारी मांग रहे हैं, तो इनसे सीखिए आपका अधिकार क्या है और लड़ना सीखिए। लास्ट क्वेश्चन एक मेरा है कि अगले पंचवर्षीय प्रिंस विक्टर जी किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए हम जनता का सेवा कर रहे हैं, जनसेवक के माध्यम से हम अपने आप को कभी मुखिया या जिला परिषद नहीं माने। आज हम मुखिया हैं, लेकिन जिस पंचायत के मुखिया हैं उस पंचायत के साथ साथ अररिया जिला में हमको कोई मुखिया नहीं कहता, पार्षद साहब कह के सभी पुकारते हैं। सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं, अन्याय जहाँ होता है वो वहाँ खड़े होते हैं, इसलिए हमको कोई तंग तवाह नहीं करता है। और जब तक हम लोग ब्लॉक में रहते हैं तब तक कोई पदाधिकारी या कर्मी आम जनता से पैसा नहीं मांगता है, चाहे थाना हो या ब्लॉक हो। हम थाना ब्लॉक या कहीं कोई पदाधिकारी का हम लोग दलाली नहीं करते हैं, उनके विरोध में आवाज़ उठाते हैं। पूर्व में हम लोगों ने घोषणा किया था कि जो भी व्यक्ति भ्रष्ट पदाधिकारी का रुपया लेते हुए, घूस लेते हुए वीडियो हम सबों के मोबाइल पर भेजेंगे, उसको हम लोग 5 से 25 हज़ार रुपया इनाम देंगे। और ये अभियान हम लोगों ने बहुत पहले चलाया था और बहुतों ऐसे पदाधिकारी फंसे, तो इसलिए तो फिर से ऐसा कार्यक्रम बिहार का पहला ऐसा मुखिया है जो ऐसा मुहिम छेड़ते कि जो लोग मुझे वीडियो भेजेंगे उन्हें 5 से 25 हज़ार रुपये देंगे। बिहार में कोई ऐसा मुखिया है? अगर आपके नज़र में कोई है तो हमें बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि हमारे यहाँ के मुखिया जो है ऐसे करते हैं। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि पंचायत को विकास करने के लिए क्या क्या योजनाएं आती है जिसके में और लोगों को नहीं पता रहता है, जो मुखिया दबा देते हैं और अपना फंड को रोक लेते हैं? देखिए अभी पंचायत में मुख्यतः दो तरह की योजनाएं फंड है जी। एक 15वीं वित्त से राशि आती है भारत सरकार और बिहार सरकार से जी। और दूसरा है कस्टम वित्त से, ये दो ही राशि है। और तीसरा हम लोग मनरेगा से काम करते हैं। हम विधायक MLC या दूसरे जगह के MLC से मिलके उससे भी हम लोग फंड लाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने पंचायत और आसपास के क्षेत्रों में देते हैं। हम सजग हैं, जिला में जो भी योजना नई योजना आई, अभी स्वच्छता के लिए आया है उसमें बगुला पंचायत को हम उसमें शामिल है और 11 पंचायत को हम रानीगंज में दिलवाए हैं, भड़गमा में भी दिलवाए हैं। तो ये सभी जानते हैं
कि अन्याय और शोषण के खिलाफ हमेशा हमारी लड़ाई भ्रष्ट और सिस्टम के खिलाफ है। चाहे कई बार वीडियो साहब से झंझट हुआ, डॉक्टर से झंझट होता है, सीओ से झंझट हुआ, कई बार केस हुआ, लेकिन कोई परवाह नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है और हम चुनाव में रहते हैं और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जनताओं का समर्थन भरपूर मिलता है। इसलिए विधायक हो या सांसद हो या भ्रष्ट पदाधिकारी हो, भ्रष्ट सिस्टम हो, इसके खिलाफ हम लोग 95 से लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। अभी विमल मंडल जी वाला हत्या हाथ जो काटा है उस भ्रष्टाचार के कारण, उस पर हम लोगों ने 2 दिवसीय पद यात्रा और महाधरना का कार्यक्रम किए। अब आज हम अपने नेता माननीय पप्पू यादव जी से इस संबंध में बातचीत किए। नेताजी बोले उनको क्या मदद करना है, तो हम बोले कि हम लोग विचार करके बताते हैं, तो हम लोग अच्छे ढंग से उनको मदद करेंगे। पूर्व में भी हम लोग मदद किए हैं, आगे भी करेंगे, और उनके माध्यम भड़गामा ब्लॉक को हम सभी आपस में विचार करके गोद लेना चाहते हैं। एक ही प्रखंड भड़गामा रानीगंज, 2 प्रखंड पे हम लोगों का टारगेट होगा, फोकस होगा कि भ्रष्टाचार कम हो। हम लोग वहाँ बैठेंगे और पदाधिकारी के विरुद्ध, घूसखोरी के विरुद्ध हम लोग मुहिम छेड़ेंगे। आम जनताओं का काम एक दिन के बदले 10 दिन में क्यों न हो, फ्री करवाएंगे। और वहाँ हम लोग जो सुविधा है योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार हम लोग वहाँ देने का काम करेंगे। अभी हमारे पत्रकार भाई चंचल जी पूछ रहे थे कि आगे का क्या है। जनता मालिक है, मानव से समाज बनता है। हम भी चाहते हैं, सभी व्यक्ति चाहता है कि हम आगे बढ़ें। हमने पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ा है यहाँ से, और इस बार भी मन बनाए कि 2024 में चुनाव लड़ें। जो अररिया का बेटा बनकर, एक जात का बेटा नहीं, अररिया का बेटा बनकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और प्रयासरत है, और हमारी पार्टी 11 सीटों पर लोकसभा की तैयारी कर रही है अंदरूनी, और हम लोगों ने टारगेट लिया है 25 का, 100 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का, जिसमें अररिया मुख्य रूप से रहेंगे और यहाँ हम लोग भाग अजमाएंगे। सर आपका पूरा परिचय? प्रिंस विक्टर, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी बिहार, सह जिला मुखिया संघ अध्यक्ष। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि सभी मुखिया जी के पास पहुँच जाए, हर पंचायत में पहुँचे और उनका समझ में आए कि मेरा अधिकार क्या है, क्योंकि अपना अधिकार पहचानना पड़ेगा। हम आम आदमी हैं तो अपना पहचान पर मतलब अधिकार पहचानिए, आप वार्ड है तो वार्ड के पहचानिए। जब तक अपना अधिकार नहीं पहचानिएगा तब तक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबका अधिकार पता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।